सीमेंट, आशीष जी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? क्या मौजूदा 100 रुपए निवेश कर सकते हैं या फिर किसी डिप का इंतजार करेंगे आप? रजत जी, अगर ये स्टॉक को देखते हैं तो 57 से अगले पिछले 3.5-4 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया है, लेकिन ये डबल एकदम सीधा नहीं हुआ है, बीच बीच में करेक्शंस हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक करेक्शन होने की संभावना है। और ये जो करेक्शन है, मैं मानता हूँ कि करीबन 100 मैक्सिमम 109 तक यहाँ नीचे आ सकता है, तो थोड़ा वेट करें। 109 के यहाँ पे अगर आता है तो अभी 50% बाय कर ले, 109 के यहाँ पे 50% बाय करें, और लक्ष्य इस स्टॉक के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है करीबन 139 का, तो यहाँ पे भी 50% खरीदारी करें और 109 के यहाँ पे वापस थोड़ा खरीदारी करने की सोचें। चलिए अब बैक टू बैक मैं आपसे कुछ शेयर्स पूछता हूँ सर, उस पर आपके नजरिया चाहूंगा। सबसे पहले तो ये देखें आप, KSK एनर्जी वेंचर्स, क्या लगता है ये बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है और आज ऐसी कुछ स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है जहां पर पिछले कुछ समय से रिटर्न्स नहीं मिले, निचले से बॉटम फिशिंग का मौका हो सकता है? KSK एनर्जी वेंचर्स, इसमें चार्ट पे कैसा लग रहा है आप? KSK अगर हम देखते हैं इस चार्ट को, तो ये स्टॉक करीबन 55 से लेके 29 तक करेक्ट हुआ है, एकदम बुरी तरह से ये स्टॉक में करेक्शन आया है। यहाँ पे अभी तक चार्ट के ऊपर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो यहाँ पे उछाल दिखाई दे रहा है करीबन 31.4 पे यहाँ पे ये स्टॉक आया है, तो ये जिस तरह से आया है तो मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक को एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ने वाला है करीबन 32 के लेवल पे। अगर ये स्टॉक 32 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर मुझे मिलता है तो मैं इस स्टॉक में निवेश करने की सोचूंगा, तब तक मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ पे अपनाऊंगा। दूसरा स्टॉक देखें आप, RPG लाइफ, क्या मौका है खरीदारी करने का? पिछले कुछ दिनों में गिरावट थी, डिस्प्लेसमेंट से रिवर्सल है, RPG लाइफ पे क्या करें? RPG लाइफ ये एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो स्टॉक है 281.5, ये एक लेवल है, इसके ऊपर अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक 330 रुपीज का। राइट, दूसरा स्टॉक अब देखें, ओबरॉय रियल्टी। रियल्टी स्पेस में पिछले कुछ दिनों में तगड़े रिटर्न्स आए हैं, ओबरॉय रियल्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है इस पूरे स्पेस को। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स इस कैटेगरी में आज चल रहे हैं, ओबरॉय रियल्टी पे अगला टारगेट क्या लग सकता है बताएं? ओबरॉय रियल्टी का अगला टारगेट जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है रजत जी, वो है करीबन 320 का, 320 का लक्ष्य यहाँ पे हासिल हो सकता है। 320 पे एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे 300 रुपए के लेवल पे बहुत बिकवाली हुई थी, इसको तोड़ के अगर ऊपर हम ये स्टॉक निकलते हुए देखते तो 320 के लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देंगे। 310 पे ही है, 310-70, 311 के लेवल पे ही कामकाज कर रहे हैं, यानी कि आपके हिसाब से टारगेट अचीव्ड है। BGR एनर्जी 5% कमाई करा चुका है फिलहाल, 124 के लेवल पे है BGR एनर्जी। सर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है या फिर किसी लेवल को क्रॉस करेगा तो आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? नहीं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 124 के लेवल पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो मैं इसका स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा 120.50 रुपीज का, और इसका लक्ष्य जो अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आएगा वो होगा 138 का। राइट, एक स्टॉक जिसके चार्ट अभी उतने पैन आउट नहीं हुए होंगे, पराग मिल्क, अगर आप देख पाए तो पराग मिल्क आपको कैसा लग रहा है इस समय चार्ट्स पे? स्ट्रॉन्ग कमाई ऑलरेडी आज के सत्र में हो चुकी है, 8-10% की रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ये स्टॉक, फिलहाल 327 के लेवल पे 8% ऊपर, क्या करना चाहिए? एक्चुअली अगर टेक्निकल के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए अच्छा खासा डेटा होना जरूरी है, एकदम कम डेटा है, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से ये मोमेंटम आ रहा है ये जारी रहेगा अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर रहेगा।